हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम मैथ्स का पेपर देख रहे थे। इससे पहले हमने मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF। देन वी हैव टू प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन ऑफ W2। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि W1 और W2 ये क्या है, ये सब स्पेस है फाइनाइट वेक्टर की। ठीक है, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इंटरसेक्शन जो होता है इसका मतलब क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सपोज अगर हमारे पास W1 में जो सेट है, W1 उसमें जो वैल्यूज है 1 2 3 4, और W2 जो सेट है उसमें जो वैल्यूज है 1 2 3 5, तो जो इंटरसेक्शन है इसका मतलब है कि W1 और W2 के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3, जो दोनों में कॉमन होंगे वो आएंगे। ठीक है, देन W1 इज इंटरसेक्शन ऑफ W2 इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो हम फिर इसके बाद एज्यूम कर लेते हैं कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है उसकी जो डायमेंशन है उसमें कितने एलिमेंट है, के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक सेट एज्यूम करेंगे S, जो क्या होगा इसका बेसिस होगा, मतलब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये एक सेट हमने एज्यूम किया जिसमें X1 से लेके XK तक एलिमेंट प्रेजेंट है, जो किसका सेट है, W1 इंटरसेक्शन W2 का सेट हमने एक एज्यूम किया है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम W1 के लिए एक सेट एज्यूम करेंगे। ये W1 है हमारा, इसके लिए हम एक सेट एज्यूम करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है, S1 इज, ये हमने एक सेट एज्यूम किया फॉर W1। ठीक है, सिमिलरली हम एक सेट एज्यूम करेंगे W2 के लिए। ठीक है, W2 के लिए हम एक सेट एज्यूम करेंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी, अब आप देखेंगे इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने हैं, देखिए X1 X2 अप टू XK और Y1 Y2 अप टू YM। ठीक है, और जो S2 सेट हमने एज्यूम किया है, जो किसका सेट है, W2 का, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, X1 X2 अप टू XK और Z1 Z2 अप टू ZT। ठीक है, तो ZT तक इसमें एलिमेंट है। अब इसमें आप ये देखिए W1 और W2 का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, X1 X2 अप टू XK। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई, जो इन दोनों में कॉमन होगा वो क्या आएगा, W1 W2 का इंटरसेक्शन आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, K प्लस M। K ये वाले जो एलिमेंट है X1 से लेके X2 XK तक, ये वाले एलिमेंट टोटल K एलिमेंट है, और Y1 से लेके YM तक की टोटल M एलिमेंट है, तो जो इसकी डायमेंशन हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, K प्लस M। सिमिलरली अगर S2 की आपसे कोई डायमेंशन पूछे तो कितनी हो जाएगी, K एलिमेंट यहाँ पे है और यहाँ पे कितने एलिमेंट है, T, तो टोटल डायमेंशन कितनी हो जाएगी, K प्लस T। ठीक है, और जो S था उसकी डायमेंशन हमें पता है वो कितनी थी, उसकी डायमेंशन थी K। ठीक है, और S है क्या, S बेसिकली एक सेट है W1 इंटरसेक्शन W2 का। ठीक है, तो हो सकता है होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, डायमेंशन W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो W1 की डायमेंशन कितनी है, K प्लस M, W2 की डायमेंशन कितनी है, K प्लस T, और W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन क्या है, K। ये ठीक है, मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, ये K हो गया, ये K प्लस M हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा K प्लस T। ठीक है, तो तीनों के डायमेंशन हमें पता चल गए, हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो जो डायमेंशन आएगी W1 प्लस W2 की, उसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, K प्लस M प्लस T। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि जो W1 है और जो W2 है उसकी कंबाइंड जो डायमेंशन है वो कितनी है, K प्लस M प्लस T। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारा जो ये थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली राइट साइड है, राइट हैंड साइड आप कह सकते हैं इसका आ गया है K प्लस M प्लस T। तो अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि W1 और W2 की जो डायमेंशन, उन दोनों को जब ऐड करते हैं उसकी डायमेंशन जो आती है वो K प्लस M प्लस T के बराबर आती है, तो हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये प्रूव करने से पहले हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये हमें पहले शो करना पड़ेगा। तो ऐसा शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ स्केलर्स एज्यूम करेंगे, A1 से लेके AN तक स्केलर एज्यूम करेंगे फॉर XN। ठीक है, B1 से लेके BM तक एज्यूम करेंगे स्केलर फॉर Y1। ठीक है, फॉर Y,
स्पेस और सी वन से लेके सी टी एज्यूम करेंगे फॉर जेड, ठीक है। ये हमने ये स्केलर्स एज्यूम कर लिए, फिर हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इन एक्स वन, तो ये हो जाएगा ए वन एक्स वन, ये हो जाएगा ए टू एक्स टू, अप टू मल्टीप्लाई होगा ए एन एक्स एन तक। सिमिलरली हम बी वन का मल्टीप्लाई करेंगे बी वन वाई वन, बी टू वाई टू, बी एम वाई एन, और सी वन का मल्टीप्लाई करेंगे सी वन जेड वन, सी टू जेड टू और सी टी जेड तक। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। फिर इसके बाद ये जो सी वन के टर्म्स आए थे इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू अप टू ए एन एक्स एन प्लस बी वन वाई वन प्लस बी टू वाई टू प्लस बी एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी जेड वन। ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए ये जो एक्स वन एक्स टू और एफ टू एक्स एन और जो वाई वन वाई टू वाई एम, ये किसके कौन से सेट में लाई कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं इन द सेट ऑफ डब्लू वन। ओके, ये किसके सेट में लाई कर रहे हैं, डब्लू वन के सेट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आप लोग को, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सी वन जेड वन है ये भी किसके सेट में लाई करेगा, W1 के सेट में लाई करेगा, ठीक है। सो इसका मतलब हो जाएगा एक्चुअली क्या है, ये दिस बिलोंग्स टू W1, ठीक है। ये किसको बिलोंग कर रहा है, W1 को। तो इसका मतलब हो जाएगा कि C1Z1 भी W1 को बिलोंग करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में C1Z1 किसको बिलोंग कर रहे हैं, C1Z1 किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये W2 को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस इक्वेशन, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि सी वन जेड वन जो हैं वो डब्लू वन को बिलोंग करते हैं, लेकिन सी वन जो सी वन जेड वन अप टू सी टू जेड टू ये एक्चुअली में किसको बिलोंग करते हैं, डब्लू टू को। तो इसका इससे ये कंक्लूजन निकल जाएगा कि ये किसको एक्चुअली में किसको बिलोंग करते हैं, ये इंटरसेक्शन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका कंक्लूजन ये हो जाएगा कि ये इट बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ डब्लू वन एंड डब्लू टू, ठीक है। अब W1 और W2 का जो सेट है वो सेट कौन सा है, X1, X2 अप टू XK, ये सेट था W1 और W2। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो ये वाली इक्वेशन है जो हमारा ये जो C1, इसकी इक्वेशन को हम किसके इक्वेट कर देंगे, इस वाले टर्म्स में हम D1 का एक कांस्टेंट एक स्केलर D1 मान लेंगे, उसकी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को दोबारा से हम लोग लिख लेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये इस तरह से हमने लिख ली, तो ये टोटल इक्वेशन हमारी जीरो के बराबर हो जाएगी, लेकिन Z1, Z2 और ZT ये तो जीरो नहीं हो सकते क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट है। तो जीरो कौन होगा, C1, C2, देखिए ये क्या है, C1, C1, Z1 प्लस C2, Z2 ये एक्चुअली में जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब या तो Z1 जीरो हो जाए या C1 जीरो हो जाए, लेकिन Z1 जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि C1 हमारे जीरो हो जाएंगे, तो जब C1, C2 ये हमारे जीरो हो जाएंगे तो हम वापस से हमारी इस वाली इक्वेशन में आएंगे। तो इस इक्वेशन में अब हमारे क्या चेंज आ जाएगा, नाउ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा जीरो आ गया। तो फिर सेम कंडीशन अप्लाई होती है, तो या तो ए वन जीरो होगा या एक्स वन जीरो होगा। अब एक्स वन एक्स टू एक्स एन ये जीरो नहीं हो सकते, इसका मतलब है ए वन ए टू ये हमारे जीरो हो जाएंगे, और जब भी हमारे स्केलर जीरो हो जाते हैं इसका मतलब होता है कि एस थ्री जो है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी मेहनत हमने इसलिए करी ये प्रूव करने के लिए कि एस थ्री एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है। ये आप चाहो तो आप इसको कर सकते हो, चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इसको यूजली आपको वैसे करना चाहिए एग्जाम। तो इतनी मेहनत हमने इसलिए ये प्रूव करने के लिए करी कि S3 इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। नाउ हम अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें क्या प्रूव करना था कि W1 और W2 का जो कंबाइंड डायमेंशन है वो किसके बराबर है, के प्लस एम प्लस टी के बराबर है। द डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू के प्लस एम प्लस टी। तो ये करने के लिए सिंपल है, हम एक कांस्टेंट अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हम एक कांस्टेंट अल्फा एज्यूम कर लेते हैं और जिसके अंदर एलिमेंट है, लेट वी एज्यूम अ कांस्टेंट अल्फा जिसके अंदर एलिमेंट है W1 और W2 के एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। हमने कांस्टेंट अल्फा एज्यूम कर लिया जिसमें W1 और W2 के एलिमेंट है, ठीक है। तो W1 के हमारे एलिमेंट कौन से थे, ये वाले एलिमेंट थे, ठीक है। और W2 के हमारे कौन से एलिमेंट थे, W2 के हमारे कौन से एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट हैं, ठीक है। और हमने एक कांस्टेंट एज्यूम किया है अल्फा जिसके अंदर इन दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हमने फिर इसके बाद क्या किया, हमने एक स्केलर एज्यूम करा, हमने कुछ स्केलर्स एज्यूम किए, ए वन ए वन ए टू अप टू ए के, ये वाले स्केलर्स एज्यूम किए। सिमिलरली बी वन बी टू अप टू बी एम स्केलर्स एज्यूम करे
और ए वन ए डैश, इस तरह से हमने स्केलर्स एज्यूम कर लिए। ठीक है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन एज्यूम स्केलर्स ए वन, ठीक है, हम वी हैव एज्यूम्ड स्केलर ए वन कॉमा ए टू, ठीक है, अप टू ए के, ठीक है, फॉर एक्स वन, फॉर एक्स, ठीक है, एंड वी एज्यूम्ड बी वन, ठीक है, कॉमा बी टू, ठीक है, अप टू बी एम, ठीक है, फॉर वाई, ठीक है, एंड यू कैन से सी वन, ठीक है, सी वन सी टू, ठीक है, अप टू सी टी फॉर जेड, ठीक है, फॉर जेड, फॉर ए वन डैश ए टू डैश फॉर दिस एक्स वन, ठीक है, विच लाइज इन द डब्ल्यू टू वैक्टर, ठीक है। तो हमने इसके लिए एज्यूम कर लिया। तो जो हमने इस तरह से इसको लिख लिया, फिर इसके बाद हमने इसको इवन इनकी वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया और मल्टीप्लाई करा, और फिर इसके बाद जो हमने इसको कंबाइंड रूप से ऐड करके लिखा, तो अल्फा में क्योंकि दोनों के डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू दोनों के एलिमेंट हैं, हमने इसमें मल्टीप्लाई किया और इसको एक साथ लिख लिया। तो अब देखिए, आप यहाँ पे ए वन एक्स वन है, ठीक है, यहाँ पे ए वन एक्स वन है और यहाँ पे क्या है, ए वन डैश एक्स वन डैश। तो जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वन डैश, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ए टू डैश, ठीक है। तो ये वाले बेसिकली क्या है, ये भी एक स्केलर है, ए वन और ए वन डैश, ये दोनों स्केलर है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक नए स्केलर से, जो हमारा क्या हो जाएगा, ए वन डबल डैश, ठीक है। तो ये हमारा ए वन डबल डैश हो जाएगा, ये हमारा ए टू डबल डैश हो जाएगा, ये इसके बाद ये हमारा ए के डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इस तरह से इसे कंबाइन करके लिख लीजिए, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी अल्फा। अब आप देखिए, इसमें एक्स वन के भी एलिमेंट प्रेजेंट है, बी वन के भी एलिमेंट प्रेजेंट है और जेड वन के भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब जो अल्फा है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू का, और अल्फा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू, एंड अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ एस थ्री ऑल्सो। इससे ये प्रूव हो जाता है कि एस थ्री में दोनों के एलिमेंट डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू के लाई करेंगे, एस थ्री जो है वो एक बेसिस कहलाएगा डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू का, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन प्रूफ हो जाती है कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन जो है डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू की, ठीक है, तो डायमेंशन है डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू की, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो डायमेंशन है डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू की किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन, ठीक है। तो ये एक आप इसे वैसे भी देख सकते हैं, ये एक कॉमन सा रिलेशन है, ठीक है, जो आपने हमेशा से यूनियन में पढ़ा होगा, ठीक है, ये एक कॉमन सा रिलेशन है जो हमेशा से आपने यूनियन में पढ़ रखा होगा, ठीक है। एक मिनट, जस्ट वेट, सॉरी, ठीक है, ओके, सॉरी। तो ठीक है, तो ये हमारा एक कॉमन सा रिलेशन है जो आपने हमेशा यूनियन में पढ़ा होगा, कि अगर सपोज हमारे पास एलिमेंट है, सपोज हमारे पास एक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज एक ए एक सेट है, ठीक है, जिसके एलिमेंट क्या है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, ठीक है, और जो हमारा बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है सपोज वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव, ठीक है, थ्री कॉमा फाइव। तो जो टोटल हमारा ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी होगा, उसमें हमारे कितने एलिमेंट आएंगे, उसमें हमारे कंबाइंड रूप से एलिमेंट आ जाएंगे, वन टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव, हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये एक तरीके से वही रिलेशनशिप लिखा गया है। तो आपने इस तरह से पहले से बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए अगर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लिखना हो तो उसमें कौन से हमारे एलिमेंट आ जाएंगे, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ठीक है, ओके। तो होपफुली आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी ही अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लीनियर एल्जेब्रा का पार्ट है, ठीक है, तो ओके, थैंक यू।